दोस्तों, ये है नाइट्रोसेलुलोज और ये बहुत ही ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है, लेकिन ये शॉक सेंसिटिव नहीं होता है। आप चाहे इसे जितना भी ठोक लीजिए, ये आग नहीं पकड़ता है। बट आज हम इस रेड पाउडर के मदद से नाइट्रोसेलुलोज को शॉक सेंसिटिव बनाने वाले हैं। बस इस पाउडर को कॉटन के चारों तरफ फैला देना है। अब अगर आप किसी भी चीज से इसे मारते हैं तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाता है।